नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक और कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या करना होता है और किस तरह से काम करना होता है और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, वहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना होता है, किस तरह से काम करना होता है और कितना प्रॉफिट जो है आपको मिल पाता है। तो यहां पे आपकी ड्रॉप शिपिंग के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं आपको देते रहता हूं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हर फ्राइडे को जो है मैं वहां पे आने वाला हूं लाइव, ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको दे पाऊं। तो मेरा आईडी जो है वो मैंने आपको बता दिया, जल्दी से फॉलो कर लें। अभी बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो में कि ड्रॉप शिपिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से काम होता है इनके अंदर। तो सबसे पहले हम जो है यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आई एम श्योर कि बहुत लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता होगा, लेकिन क्योंकि हम यहां पे दोनों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरा यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग को भी बहुत सिंपल तरीके से जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जब आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे कि Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Myntra हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, तो इस तरह में इनके जब बहुत सारी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, इनकी वेबसाइट को जो प्रोडक्ट इनके ऊपर लिस्टेड हैं, आप उन्हीं प्रोडक्ट को जो है रीसेल करवाते हो। आप जो है अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आप जो है अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, आप जो है अपनी वेबसाइट बना के जो है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो। वहां पे ब्रांडिंग भी इनकी होती है, सब कुछ इनका होता है। मतलब आपका सिर्फ काम है वहां पे प्रोडक्ट्स को शेयर करके लीड जनरेट करना। तो जब आप ऐसा करते हो तो जो भी प्रोडक्ट आपकी लिंक के थ्रू सेल होते हैं, सपोज कर लो कि आपने एक एक्स प्रोडक्ट को जो है बेचा, आपने शेयर करा, लेकिन उस लिंक पे क्लिक करके कोई Amazon की वेबसाइट पे गया, वहां पे वो जो प्रोडक्ट आपने पोस्ट करा था, शेयर करा था, वो तो उसने खरीदा नहीं, लेकिन क्योंकि वो उसी लिंक से गया था और बाकी कोई दूसरे प्रोडक्ट खरीदे, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर उसका भी कमीशन दिया जाता है। तो ये मतलब यहां पे आप अलग से कोई मार्जिन ऐड नहीं करते हो अपनी। तो जो प्रोडक्ट के रेट आपको दिखाई दे रहे हैं, वही प्रोडक्ट के रेट एंड कस्टमर को दिखाई देंगे और एंड कस्टमर भी वही रेट पे करेगा जो आपने जिस वक्त देखा था वही शेयर करा गया है, और वही रेट जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, कुछ भी एडवांस इसमें नहीं करना होता है। तो ऐसे में जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उस प्रोडक्ट का जो रेट है उसमें हाँ एज अ एफिलेटर हमारे लिए एक मार्जिन सेट करी जाती है। किसी में 2% होता है, किसी में 8% होता है, किसी में 27% होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग मार्जिन सेट करी होती है एज अ कमीशन। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हमारे लिंक के द्वारा सेल होते हैं उनका कमीशन जो है वो हमें दिया जाता है। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगर हैं, चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर जो है वो किसी भी तरीके से अपने डायरेक्ट लिंक्स को जो है शेयर करके जो है पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो है तो प्रोडक्ट को ही सेल करना, बट यहां पे इसका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाता है। यहां पे ड्रॉप शिपिंग है वो दो तरीकों से करी जा सकती है, पहला ऑफलाइन ड्रॉप शिपिंग, दूसरा ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग। ऑफलाइन ड्रॉप शिपिंग वो होती है जो हम सपोज कर लो कि आपके पड़ोस में कोई एक दुकान है जहां पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत ही कम प्राइस के अंदर, या जो भी उसका प्राइस है उसके अंदर वो लोकल में सेल कर रहा है, लेकिन से फॉर एग्जांपल एक एक्स आइटम है और उस एक्स आइटम का लोकल में वो दुकानदार जो है 500 रुपए में उसको सेल कर रहा है, लेकिन आपने उस दुकानदार से बात करी कि मैं आपका ये प्रोडक्ट जो है मेरे द्वारा बिकवाऊंगा ऑनलाइन, तो जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं आपको बता दूंगा, आपको ये ऑर्डर जो है उस एड्रेस के ऊपर शिप कर देना है। तो ऐसे में यहां पे जो है कोरियर चार्जेस वगैरह भी आपको पहले से पता होने चाहिए कि कितने लगेंगे वहां तक जाने के लिए, तो सारी डिटेल आपके पास पहले से होनी चाहिए। मतलब इसमें मार्केट रिसर्च जो है
वो आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें जब भी आपके पास, आप फिर उसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रमोट करें, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें, या डायरेक्ट अपने रिलेटिव्स को जो है उस चीज को सेल करें, अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो आप वो ऑर्डर को उस दुकानदार को बताओगे या फिर उस दुकानदार से वो प्रोडक्ट खरीद के लाओगे और खुद उसको शिप करोगे। तो ये हो गया ऑफलाइन ड्रॉप शिपिंग। अब इसमें क्या है कि आपको बेनिफिट क्या हुआ है कि वो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली वो जो दुकानदार है वो 500 रुपए में सेल कर रहा है, लेकिन आपने उसके ऊपर कोरियर चार्जेस लगाए 50 रुपए, तो वो 550 का हो गया। अब आपने उसके ऊपर 100 रुपीज अपनी मार्जिन ऐड कर दी एज पर योर कन्वीनियंस। तो आपने वो प्रोडक्ट कितने में बेचा, यहां पे 650 रुपए में बेचा। जो 500 रुपए में बिक रहा था वो यहां पे 150 रुपया इंक्रीज करके बेचा, जिसमें 100 रुपीज आपकी भी मार्जिन है क्योंकि आपने यहां पे काफी सारा काम आपको करना पड़ा है। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन ड्रॉप शिपिंग। ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग जो है आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस में है और काफी लोग जो है ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको एज इंडिविजुअल कोई भी मटेरियल खरीद के नहीं रखना होता है, कोई भी इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करनी होती है। जैसे हमने ऑफलाइन करा है ऐसे ही सेम ऑनलाइन भी काम करा जाता है। अब ऐसे में बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए आप क्या करते हो, वहां से प्रोडक्ट देखते हो, सेलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है और उसमें कितना चार्जेस कुरियर वगैरह है, वो सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे गैदर करते हो, फिर उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू या फिर डायरेक्ट लिंक्स के थ्रू जो है उसको सेल करते हो। तो जब भी वो ऑर्डर आता है तो फिर वो ऑर्डर आप प्लेस करते हो अपने कस्टमर के बिहाफ पे। तो ऐसे में वो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो, लेकिन यहां पर भी आप काम क्या करते हो, सपोज कर लो कि किसी एक्स वेबसाइट के ऊपर आप गए और वहां पे आपने एक प्रोडक्ट देखा और उस प्रोडक्ट की वहां पे कॉस्ट थी 1000 रुपीज, उसमें जो है कुरियर चार्जेस वहां पे, क्योंकि वो लोग पहले से ई कॉमर्स में हैं, तो वहां पे जो है आपने देखा कि पहले से जो एंड क्लाइंट को जो डेट वहां पे रेट पड़ रहा है वो 1000 पड़ रहा है, जो कि इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस है। जो इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस है तो उसमें जो है आपका कोई यहाँ पे मार्केट रिसर्च इतना नहीं करना पड़ता। अब ऐसे में आपने सिर्फ अपनी मार्जिन उसके ऊपर एड ऑन करनी होती है और आप उसको सेल कर सकते हो, राइट। आपने जो भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने ब्रांड के थ्रू जैसे भी आपने सेल करा, तो वहां पे 1000 रुपीज की चीज को आपने से फॉर एग्जाम्पल 1300 रुपए में बेचा, तो यहां पे आपकी मार्जिन आपने 300 रुपए जो है 300 रुपए वहां पे कमा ली है। तो ऐसे में वो जो प्रोडक्ट है वो एंड क्लाइंट तक पहुंचेगा और आपका जो पैसा है वो उस वेबसाइट से आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में हेल्प करती हैं आपको, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, या अदर वे अराउंड जो है आप एंड कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हो तो उसमें अपना मार्जिन अपने पास रख लेते हो और बाकी का जो पैसा बचा है वो आप डायरेक्टली खुद पे कर देते हो उस वेबसाइट को। तो ऐसे में भी ड्रॉप शिपिंग जो है करी जा रही है। अब यहां पे ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, एफिलिएट में इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो आपको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आप अपने हिसाब से भी मार्जिन जो है, आपको कम चाहिए तो आप कम मार्जिन लगा सकते हो, आपको ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा मार्जिन भी आप सेट कर सकते हो। बस यही डिफरेंस है ड्रॉप शिपिंग के अंदर और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब यहां पे कंक्लूजन की बात करें कि दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में से हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं यहां पे बताऊं कि दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि हमें कोई स्टॉक नहीं रखना है, हमें कोई चीज परचेस करके नहीं रखनी है, तो हम दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो इन दैट केस आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे अगर टाइम कम है आपके पास, टाइम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जो है ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एंड क्लाइंट डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस करता है, सब कुछ अपने आप क्लोज करता है और आपको सेल होने के बाद जो है आपका कमीशन आपके अकाउंट में
क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको जो है एंड क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं करता है, वहां पे एंड क्लाइंट के बिहाफ पे आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। अब पेमेंट्स के जो ऑप्शंस मैंने बताए थे, या तो आप वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इस तरह का ऑफर करती हैं कि आप अपनी मार्जिन ऐड करके ही जो है एंड क्लाइंट को रेट पहुंचाएं, और वो भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पेमेंट खुद कलेक्ट करते हैं और फिर एंड में उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। तो यहां पे आपकी मेहनत जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे मार्जिन भी ज्यादा है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है, दोनों ही फंडे बहुत ही क्लियर हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप देख सकते हो कि आपको अगर टाइम कम है तो एफिलिएट मार्केटिंग करें, अगर टाइम आप दे सकते हो तो आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों भी एक साथ कर सकते हो। तो आई एम श्योर जो है आपको पता लग गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, दोनों के लिए क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई। आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी तक जो है इस वीडियो को शेयर नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दें। सो आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।